चुनाव परिणाम आने में अब मात्र एक दिन का समय है, लेकिन इससे पहले चिराग पासवान अपने पांचों धुरंधर के साथ, चिराग पासवान सहित जो पांच धुरंधर लोजपा रामविलास की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में थे, वो चुनाव परिणाम आने से ठीक एक दिन पहले पटना स्थित खगौल मंदिर में पूजा अर्चना करते दिखे। खुद चिराग पासवान हाजीपुर से कैंडिडेट, वीना देवी वैशाली से कैंडिडेट, खगड़िया से राजेश वर्मा, समस्तीपुर से सांभवी चौधरी और जमुई से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती, ये पांचों धुरंधर जब चुनावी मैदान में थे, चिराग पासवान ने कहा कि हम एक मुट्ठी है और मुट्ठी में बहुत बल है। ये पांचों धुरंधर चुनावी मैदान में दिखाए गए। चिराग पासवान सबके लिए फील्डिंग करते नजर आए और खुद हाजीपुर में चिराग पासवान ने सबसे कम मेहनत की। लेकिन आज जब चुनाव परिणाम के ठीक एक दिन पहले पांचों धुरंधर जब पूजा अर्चना करते दिखे, तो वहां पर तमाम कैंडिडेट मौजूद थे। चिराग पासवान ने अपने तमाम लोकसभा सीट पर खूब मेहनत की है। चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने जहां जहां उंगली रखी, जहां जहां जिस सीट की उन्होंने मांग की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें वो तमाम सीटें दी है और हर लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। खासकर चिराग पासवान के कैंडिडेट जहां जहां थे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जनसभा को संबोधित की है। और आज एक दिन पहले, परिणाम आने के एक दिन पहले, जब पांचों धुरंधर पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं, आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर शांभवी चौधरी उनके पति, इसके अलावा वीना देवी, खगड़िया से राजेश वर्मा, ये तमाम लोग जब चुनावी मैदान में थे, तो चिराग पासवान ने इन तमाम लोगों का खूब साथ भी दिया और आज तमाम लोग पूजा अर्चना करते भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि परिणाम आने में अभी एक दिन का समय है, लेकिन इससे पहले जब एग्जिट पोल आए, तो किसी भी एग्जिट पोल ने चिराग पासवान को एक भी सीट लूज होते नहीं दिखाया है। परिणाम आने में एक दिन का समय बच गया है और इससे पहले चिराग पासवान अपने तमाम कैंडिडेट के साथ पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये पटना स्थित खगौल मंदिर है, जहां पर तमाम कैंडिडेट है। राजेश वर्मा खगड़िया के कैंडिडेट, वीना देवी वैशाली के कैंडिडेट, इसके अलावा समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी, अरुण भारती जो कि चिराग पासवान की बहनोई है, इन तमाम लोगों को जब चुनावी मैदान में देखा गया, तो इन लोगों ने खूब मेहनत की और आज भगवान से आशीर्वाद लेके कल के परिणाम की इंतजार कर रहे हैं। कल का परिणाम तो आएगा ही, लेकिन इससे पहले, चुनावी परिणाम के एक दिन पहले जब पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो भगवान से ये आशीर्वाद ले रहे हैं कि वो चुनावी मैदान फतह कर पाए। देखना दिलचस्प होगा, 4 तारीख का वो दिन है, समय बहुत ही कम है, काउंटडाउन पर समय है और इस समय के अंदर ही परिणाम सामने आ जाएंगे। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।